नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। दोस्तों सुबह सुबह की बहुत बड़ी लेटेस्ट बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल करके आ रही है और सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है आपका अपना पीएस क्लासेस। बिग ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों आ चुकी है, मुख्यमंत्री ने किया बड़ा ऐलान, बेरोजगारों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट साइड में आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, आज उत्तर प्रदेश के सदस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो है बहुत बड़ी जो है यहां पर खुशखबरी दे दी गई है। दोस्तों इस पर पूरी विस्तृत हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, आप एंड तक बने रहिए। आपकी जो निराशा है आज हो गई समाप्त। दोस्तों अगर आप शिक्षक भर्तियों का इंतजार कर रहे थे तो उठ जाइए, आपके लिए ये दिन बहुत ही बड़ा होने जा रहा है, बहुत ही बड़ी खबर निकल करके आ गई है दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या बड़ा ऐलान किया है, बेरोजगारों के लिए बड़ी खुशखबरी क्या निकल करके आ रही है। दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि लगातार जो है आप समाचार पत्रों में देख रहे थे, आए दिन ये आ रहा था कि अति शीघ्र जो है नया शिक्षा सेवा चयन आयोग को बनाया जाएगा। उसके बाद जो है एक डेडलाइन दी गई थी कि नवंबर माह में जो है आपके अध्यक्ष और सदस्य आ जाएंगे। और इसी के साथ ही साथ दोस्तों लगातार समाचार पत्रों में बयान भी आ रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कि 15 दिनों के अंदर रिक्त पदों का ब्यौरा भेजा जाए और लोकसभा चुनाव से पहले जो है जितनी भी रिक्तियां हैं और जितने भी भर्तियां चल रही हैं उन पर त्वरित कार्रवाई हो। तो ऐसे में दोस्तों बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के दोस्तों ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। समाचार पत्रों के माध्यम से जो कल न्यूज आया हुआ था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा था कि उत्तर प्रदेश में रोजगार की कमी नहीं है, उस पर एक बड़ी कार्रवाई कर दी है। और बड़ी कार्रवाई ये कर दी है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का अस्तित्व नवंबर माह में होने जा रहा है। बहुत बड़ी अपडेट, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो अध्यक्ष और सदस्य हैं वो नवंबर माह में आने जा रहे हैं। पूरी की पूरी अपडेट सबसे पहले पीएस क्लासेस आपको बता रहा है। आ गई है लखनऊ से बड़ी खबर दोस्तों, इसमें सबसे पहली जो प्रायोरिटी दी गई है आपकी, हम बता देना चाहते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर के जो अफवाहें फैल रही थी कि आपकी परीक्षा जो है चुनाव बाद होगी, उस पर बिल्कुल विराम लगने जा रहा है। बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है। आप जो है दो चार दिनों में देखेंगे, अगर सब कुछ क्लियर रहता है तो समाचार पत्रों के माध्यम से आपको पीएस क्लासेस हूबहू दिखाने की कोशिश करेगा कि उत्तर प्रदेश में नया शिक्षा सेवा चयन आयोग सक्रिय होने जा रहा है। और इसके बाद ताबड़तोड़ जो आपकी पहली भर्ती होगी वो भर्ती होने जा रही है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट, और उसकी डेडलाइन भी जो पीएस क्लासेस बताया था, सब कुछ सही रहता है तो फरवरी माह में 100% जो है आपकी परीक्षा करा दी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों बात करें तो यूपी टेट का नोटिफिकेशन भी इसी आयोग से आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा भाई बहनों तक फॉरवर्ड कर दीजिएगा क्योंकि ये जो है उन सभी भाई बहनों के लिए बहुत बड़ी खबर है जो इंतजार कर रहे थे शिक्षक बनने के लिए और साथ ही साथ जो है नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का। दोस्तों फिर मिलते हैं विश्वसनीय सूचना के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।